बुआ जी क्या हो गया आपको? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही? बेटा मेरी फिक्र ना करो। कैसे फिक्र नहीं करूँ आपकी, इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। अगर मैं जाऊंगी तो चलेंगे मेरे साथ? अपनी भी फिक्र किया करें, हर वक्त आप मेरी फिक्र में रहती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। आजो। खाला अब तक सोई नहीं? बस सोने लगी थी। लगता है खाला आपको अपने साहब की बेटी से बड़ा प्यार था। मैंने इसे मां बनकर पाला है नौशाबा, शायद पालने वाले की मोहब्बत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। बेशक, पर खाला आपने साहब का घर क्यों छोड़ दिया? वैसे तो इकबाल ने वहाँ सिर्फ 6 महीने की ड्राइवरी का काम किया था, मगर वो बताता था कि आपकी बड़े साहब के यहाँ बहुत इज्जत थी। नौकर भी हर काम आपसे पूछ के करते थे, बड़े साहब और उनकी बेटी भी आपकी बेहद इज्जत करते थे। फिर आपने इतनी आराम वाली जगह क्यों छोड़ दी खाला? आप यकीन करें, मुझे तो आपके सामने दाल रोटी और सब्जी रखते बड़ी शर्म आती है। इकबाल बताता था कि बड़े साहब के यहाँ तो नौकरों को भी बहुत मज़े मज़े का खाना मिलता था। मैं तुम्हारे पास मुतमईन हूँ, तुमने मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर। इसमें एहसान वाली क्या बात है खाला, अब देखें ना, इकबाल तो सऊदीया चला गया और मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके आने से तो मेरी तन्हाई दूर हो गई है, और सबसे बढ़कर आपने मोहल्ले के बच्चों को जो कुरान पढ़ाने का नेक काम शुरू किया ना, उससे तो घर में मेरे जैसे खैर बरकत ही हो गई है।